हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्टेंस प्रोटेक्शन करनी है ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले बिफोर वी डिस्कस ओवर करंट रिले, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन बिकॉज ओवर करंट रिले इज डिपेंडेंट ऑन द फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड। अगर फॉल्ट करंट पिकअप वैल्यू से ज़्यादा होगा तो इट विल ट्रिप, अदरवाइज इट विल रिस्ट्रेन। बट द फॉल्ट करंट इज़ अ फंक्शन ऑफ सोर्स इम्पीडेंस एंड फॉल्ट टाइप। जब फॉल्ट की लोकेशन इज गेटिंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सो क्या होता है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू कम होती जाती है। इवन दो ये फॉल्ट करंट होता है, लेकिन ये रिले इसको पिक नहीं कर पा रही एंड इट डजेंट ऑपरेट। सो दिस इज अ ड्रॉबैक। एंड सेकेंडली, इट इज अ फॉल्ट लोकेशन, फॉल्ट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, इट दिस इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दिस इज लाइन टू लाइन to ground fault, and this is line to line to line fault or three phase fault. So this source generate a power, or for example इस point पर एक fault आ जाए इस point पर। So इस point तक अगर three phase fault आ जाए, so relay will clear this। अगर two phase fault आ जाए, relay will clear this। लेकिन अगर single line to ground fault, so तो ये रिले इसको ऑपरेट इस पे ऑपरेट नहीं करेगी। इवन तो ये फॉल्ट है, लेकिन रिले इसको फॉल्ट कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके पिकअप वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी। दिस इज द पिकअप वैल्यू। अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी इट विल ऑपरेट, अदरवाइज इट विल नॉट ऑपरेट। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर आप देखो B1, तो इसके लिए तीनों रिले ऑपरेट करेंगे। इसके लिए तीनों फॉल्ट के लिए रिले ऑपरेट करेगी, थ्री फेस फॉल्ट के लिए भी करेगी, टू फेस के लिए भी करेगी, और सिंगल फेस के लिए भी करेगी। तो ये था कि अगर फॉल्ट टाइप चेंज होगा तो मेरे रिले के ऑपरेशन भी चेंज होगी। तो ये था फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ ओवर करंट रिले। सेकंड ड्रॉबैक है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। ये फॉर एग्जांपल सोर्स इम्पीडेंस जेड से ये, तो जेड इज थ्री, जेड इज टू और जेड इज वन। इस जेड इज थ्री की वैल्यू इज मच लेस देन जेड इज टू, और जेड इज टू इज लेस देन जेड इज वन। सो अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट आ जाए बी पे, तो अगर जेड इज वन, इसकी वैल्यू जेड इज वन हो, तो थ्री फेस फॉल्ट, थ्री इस फेस इस फॉल्ट के लिए ऑपरेट कर लेगी, जेड इज टू के लिए भी ऑपरेट कर लेगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू सोर्स की वैल्यू जेड इज थ्री हो, तो इसके लिए ऑपरेट नहीं कर लेगी, बिकॉज द वैल्यू इज मच लोअर देन द पिकअप वैल्यू। सो दिस वॉज अ सेकंड ड्रॉबैक कि सोर्स इम्पिडेंस की वजह से मेरी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, वी नीड टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द ट्रांसमिशन लाइन जो कि इस फॉल्ट और इस ड्रॉबैक से हट के हो, दैट ऑपरेट फॉर ऑल दिस फॉल्ट। ओके, सो फॉर दिस वी यूज डिस्टेंस प्रोटेक्शन। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम point A to point B. I want to protect it till point A to point B. So this is a relay and this is a CT and PT that will measure the current and voltage respectively. So what does this relay says? We will set a value for the resistance or impedance की हम कोई value adjust कर लेंगे, फिर ये relay resistance की value measure करेगी। अगर ये रेजिस्टेंस जो ये मेजर कर रहा है जो सेट वैल्यू से कम हो, तो उसके लिए ऑपरेट करेगी, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं करेगी। ये हम आगे एक फॉर्मूले के थ्रू वी विल एक्सप्लेन। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और बस बार ए से बस बार बी तक हमने एक वैल्यू सेट असाइन की जेड सेट। अगर यहाँ पर आ जाए तो जेड वन की वैल्यू फाइंड कर लेगा, यहाँ पर जेड टू की कर लेगा, तो ये कंपेयर होगा जेड एस से। फिर ऑन दिस इट विल डिसाइड कि रिले ने ट्रिप होना या ट्रिप नहीं होना। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मेरे पास रिले ऑपरेट फॉल्ट आ गया, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जेड एल वन इसका इम्पीडेंस निकल आएगा। जब जेड एल वन आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉल्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? कम होगा। और इम्पीडेंस किस चीज़ के बराबर होगा? वी डिवाइड बाई आर। तो जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी वी आर थ्री, ये क्या होगी? फॉर जेड एल वन ये कम होगी, ये थर्ड वन, तो ये मेरे पास वी आर थ्री की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस कम है। जो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पीडेंस है, ये कम है। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे फॉल्ट आ जाए, तो मैं जिसके लिए मैंने ये सेट किया है इम्पीडेंस एग्जैक्ट, उसके इक्वल मेरे पास इस पर ड्रॉप आ रहा है, तो ये दोनों बराबर है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर फॉल्ट आ जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है?
यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज मेरे पास ज़्यादा होगा। जब मैंने रिले को देने होंगे, रिले को मैं इनपुट क्या दूंगा, वन विल बी द करंट एंड द सेकंड विल बी द वोल्टेज। सो अगर इस जोन इस यहाँ पे F3 फॉल्ट आ जाए, F3 फॉल्ट के केस में ये रिस्ट्रेन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जेड सेट से बाहर है। जब जेड सेट से बाहर होगा ये रिस्ट्रेन रहेगा, जबकि पॉइंट नंबर बी पर F2 ये वर्च ऑपरेशन है। अगर ये इससे अ वेरी स्मॉल अमाउंट राइट साइड पे होगा तो ये ऑपरेट रिले नहीं करेगी, रिस्ट्रेन रहेगा। अगर लेफ्ट साइड पर है तो रिले ऑपरेट करेगी, जबकि F1 के लिए क्या करेगा, ऑपरेट करेगा क्योंकि ये विद इन द जोन है। अच्छा, ट्रिपला डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए अ टर्म इज यूज्ड इज कॉल्ड ट्रिपला। तो ये क्या होगा, अगर VR इज लेस देन IRZZ तो मेरे रिले क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट ऑपरेट। अगर IR को मैं इस साइड पे लेकर आ जाऊँ तो मैं ZR फाइंड कर लूँगा। ZR क्या है, जो मेरे रिले देखेगी, माई रिले विल ऑब्जर्व, माई रिले विल फाइंड, माई रिले विल इवेल्यूएट इट व्हेन द फॉल्ट अकर्स। सो मैंने पहले ये ZZ किया होगा, अगर ये ZR जो रिले मेजर करेगा इससे कम आएगा, रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करेगी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टू सिंपलेस्ट लॉ कि अगर जो मैं इम्पीडेंस फाइंड कर रहा हूँ, मेरे रिले फाइंड कर रही, अगर ये विजिट से कम हो तो मेरे रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट ऑपरेट। अंडर इम्पीडेंस रिले, दिस कॉल्ड अंडर इम्पीडेंस रिले एज वेल। सो वी आर यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट वी आर नॉट कंसर्न विद द करंट कि किस डायरेक्शन में जा रही, राइट साइड जा रही, लेफ्ट साइड जा रही, हम देख रहे अगर वो करंट एक्स उसकी वजह से अगर इम्पीडेंस इससे कम आ जाए जो मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेरे रिले ऑपरेट कर जाए, अदरवाइज ना करे। सो वी आर जस्ट यूजिंग मैग्नीट्यूड, हम एंगल और डायरेक्शन नहीं देख रहे फॉल्ट करंट की। अच्छा, सो ये था करंट और ये था वोल्टेज। सो अगर मैं, ये होगा Z यानी स्लोप होगा, अगर इससे डाउनवर्ड होगा मैं रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रिले में वोल्टेज और करंट मेजर किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई तो रिले ऑपरेट करेगी, अगर यहाँ पर आ जाए तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इसको अगर मैं इस फिगर से एक्सप्लेन कर लूँ, सो इस एक्स एक्स पे मेरे पास आ रहे जबकि वाई पे क्या है, एक्स है, तो क्योंकि मैं ओनली मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ, सो ऑलवेज कितना होगा मेरे जेड इस फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। सो एज वी सीन दैट F1 क्या था, विद इन द जोन आ रहा था तो इसके लिए ऑपरेट करेगा, जबकि वर्ज ऑपरेशन था F2 और F3 इसके बाहर था। तो अगर इस सर्कल के अंदर हो तो ये ट्रिप, और अगर बाहर हो तो ये रिले ट्रिप नहीं करेगी। और XL थीटा L कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग दिस वेल नोन फार्मूला, थीटा L इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा L डिवाइड बाई R। नाउ लेट्स मूव ऑन, आर्क रेजिस्टेंस। द आर्क रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस, अगर फॉल्ट करंट आ जाए और एयर में जो करंट फ्लो कर रहा है तो द रेजिस्टेंस अफर टू दैट करंट इज कॉल्ड आर्क रेजिस्टेंस। और इसके लिए फार्मूला यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन लाइन, H750 इंटू S+3U2 डिवाइड बाई I^1.4, वेयर इस इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो एयर में से करंट को फ्लो करवा रहे, 3 इज द स्पीड ऑफ विंड, राइट, स्पीड ऑफ विंड इज आल्सो अफेक्टेड द फॉल्ट करंट, वेयर T इज द टाइम जिस टाइम के लिए द करंट विल फ्लो, and I is the fault current. So arc resistance is only real part. ये क्या कर लेगा, x axis पे मूव कर लेगा। इनिशियली मेरे पास ये लाइन बन रहा था कि अगर ये फॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही थी, अब अगर मैंने arc resistance ऐड कर ली तो ये x axis पे मूव होगा। अगर मैं फिर एग्जैक्टली इस तरह ड्रा कर लूँगा तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल पोर्शन क्या आ रहा है, सर्कल से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये फॉल्ट है लेकिन इसके लिए रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अंडर रीच। अंडर रीच वो है जब मेरे रिले ने ऑपरेट करना चाहिए लेकिन मेरे रिले इस पोर्शन के लिए ऑपरेट नहीं करेगी, सो दिस इज कॉल्ड अंडर रीच, राइट। लेट्स मूव ऑन, वी मूव ऑन, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट, थैंक यू सो मच। आई यूजिंग यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, ट्रिपला इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करंट का स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट वोल्टेज का स्क्वेयर, प्लस ये डायरेक्शनल यूनिट है, प्लस K4 जो कि टार्क होगा। ये अब इसको वन बाई वन टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। टार्क क्या है, इज द नेट टार्क ऑन द एक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ रिले, कि रिले पे कितना नेट टार्क एक्ट कर रहा है।
के आई आर स्क्वायर, वो टॉर्क जो करंट की वजह से रिले पे एक्ट कर रहा है, और के वी स्क्वायर जो वोल्टेज की वजह से कर रहा है, और ये है डायरेक्शनल टॉर्क, जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्शनलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो वो कैसे टॉर्क हमारे रिले पे एक्ट करेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड टाउ इज द मैक्सिमम एंगल फॉर विच डायरेक्शनल यूनिट फॉर द डायरेक्शनल यूनिट। टॉर्क इज एम टी ए, जो किससे पहले हमने डिस्कस किया था, और के फोर क्या है, द स्प्रिंग जो कि रिले के साथ लगा होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में वो रिले ऑपरेट ना कर जाए, तो उसकी वजह से जो टॉर्क रिले पे ऑपरेट करता है उसको के फोर कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज ऑपरेटिंग टॉर्क एंड व्हाट इज रिस्टेनिंग टॉर्क, ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर, लेकिन आई एम जस्ट रिकॉलिंग दिस कि ऑपरेटिंग टॉर्क वो है जो ऑपरेटिंग कॉइल में से गुजर रहा है, जो रिले को ट्रिप करवाएगा। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वो है जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में से गुजरेगा, जो रिले को ट्रिप नहीं होने देगा, जिसको कहते हैं रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। अच्छा, अब इस जो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है, इसको हमने ऐसे अरेंज करना है ताकि मेरे पास जो जेड सीन है, यानी इसको मैंने सिंपल इम्पिडेंस रिले के लिए इसको मैंने डिज़ाइन करना है। सो मैं क्या करूँगा, के वन आई आर स्क्वेयर इसको मैं ऑपरेटिंग टॉर्क कह दूंगा, जबकि के टू वी स्क्वेयर इसको मैं क्या कह दूंगा, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इसको मैं कह देता हूँ, और मैं कह दूंगा अगर ये इससे बड़ा होगा, के वन आई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन के टू वी स्क्वेयर, तो मेरे रिले ऑपरेट करेगी, क्योंकि ये टॉर्क जब ज़्यादा होगा तो रिले ऑपरेट करेगी। इसको अरेंज करें तो वी आर डिवाइड बाई आई आर इज लेस देन स्क्वेयर रूट के वन डिवाइड बाई के टू, तो इसको जेड सीन कहते हैं, जिसको मैंने पहले सेट किया हुआ है। इट इज सेट बाय द रिले बाय द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, कि अगर इससे मेरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट होगी, इसके साथ कंपेयर होगी, जबकि के वन डिवाइड बाई के टू इज जेड सेट, और ये वो वैल्यू है जो इसको मैंने सेट किया हुआ है रिले के लिए। सॉरी, के वी आर डिवाइड बाई आई आर वो वैल्यू है जो मेरे रिले जब फॉल्ट आ जाए वो मेजर करेगा, जबकि के वन डिवाइड बाई के टू वो वैल्यू है जो मैंने सेट की हुई है। अब अगर जेड सीन इज लेस देन वी सेट तो मेरे रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरे पास ये जेड सेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जेड सेट है और यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, तो ये जेड सीन क्या होगा, कम होगा, जब जेड सीन कम होगा तो मेरी रिले ऑपरेट करेगी। ये था एक सिंपल इम्पिडेंस रिले कैसे वर्क करता है। तो इसमें द मेन पॉइंट इज कि ऑपरेटिंग टॉर्क कौन सा है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कौन सा है, वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इस बीम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज रिस्ट्रेनिंग टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग कॉइल, दिस इज ऑपरेटिंग कॉइल, और दिस इज अ बीम, दिस इज अ स्प्रिंग, दिस इज सपोर्ट, और ये है वो कंटेक्ट जो क्लोज होगा व्हेन द फॉल्ट अकर। अगर फॉल्ट ना हो तो ये करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा नॉर्मल केस में, जब मेरे कहते हो कि फॉल्ट नहीं है तो ये क्या होगा, ये इसको नीचे अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज नहीं होगी। अब अगर फॉल्ट आ जाए तो ये करंट ज़्यादा होगा, जब ये करंट ज़्यादा होगा तो इसको क्या कर लेगा, नीचे अट्रैक्ट कर लेगा, जब इसको नीचे अट्रैक्ट कर लेगा तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज होंगे और ट्रिप सिग्नल जनरेट हो जाएगा। हियर अ क्वेश्चन इज रिटन, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग इज नीड जस्ट बिकॉज कि ये नॉर्मल कंडीशन में ये ट्रिप ना कर जाए, ये कॉन्टेक्ट क्लोज ना आ रहा है, राइट? अच्छा, नॉर्मल लोड, अगर नॉर्मल लोड हो तो मेरी रिले ऑपरेट करेगी या नहीं करेगी, जाहिर बात है व्हेन देर इज अ नॉर्मल लोड मेरी रिले को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिले इज डिज़ाइन ओनली फॉर द फॉल्ट लोकेशन और फॉल्ट ऑपरेशन। सो नॉर्मल केस में लोड यहाँ पे होता है, सो इस केस में मेरी रिले ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि ये सर्कल से बाहर है। अच्छा, आर्क रेजिस्टेंस, अगर जेड रिले की मैं आर्क रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सेम ये अंडर रीच करेगा, क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस तरह ये इस तरफ जाएगा, जो ये पोर्शन है इसके लिए रिले ऑपरेट नहीं करेगी, जबकि इसके लिए ऑपरेट करना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड अंडर रीच ऑफ रिले। अब है डायरेक्शनलिटी प्रॉपर्टी, ये बस ए, बस बी और बस सी, ये भी मैंने वी सेट असाइन एक सेट किया हुआ, ये वैल्यू सेट की, ये भी मैंने जेड की एक वैल्यू सेट की हुई है। अगर फॉल्ट करंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाए या यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्शनलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन मेरी रिले डायरेक्शनलिटी के लिए ऑपरेट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ जो रिवर्स फॉल्ट है, जो फॉरवर्ड करंट है या रिवर्स फॉल्ट करंट है, उसके लिए ऑपरेट, सिर्फ फॉल्ट करंट के लिए ऑपरेट करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि ये रिवर्स करंट है या फॉरवर्ड करंट है। अगर करंट इसके अंदर आ रहा हो तो ये क्या करेगी, ऑपरेट करेगी जेड, तो अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं करेगी।
व्हाट इज पावर स्विंग? अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ अ जेड रिले और इम्पीडेंस रिले ड्यूरिंग पावर स्विंग। पावर स्विंग, जब सिस्टम में फॉल्ट आ जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए या स्विंग हो जाए तो क्या होगा, हमारे सिस्टम में ऑसिलेशंस आ जाते हैं। ऑसिलेशन आ जाते थे तो लोड एंगल चेंज होता है, रूटर और स्टेटर का एंगल चेंज होता है, इसको जो पी चेंज होता है। अगर पी चेंज हो जाए तो आई चेंज होगा करंट, अगर आई चेंज हो जाए तो मेरे पास जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जेड की जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसकी वजह से मेरी रिले पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। अच्छा, ये मेरे पास एक, तो इसमें से एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल सेंटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सेंटर वो वैल्यू है जिस पर वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाए। तीनों फेज ऐसे साइन होते हैं जिस पर वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेंटर। अब मेरे पास ये सोर्स ए है, ये सोर्स बी है और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो ये वो पॉइंट होगा जेड एल जिस पर इलेक्ट्रिकल सेंटर आता है। जब इलेक्ट्रिकल सेंटर आता है तो ये इसके लिए ऑपरेट करता है। अदर हालांकि इसके लिए ऑपरेट नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉल्ट, लेकिन इसके लिए ऑपरेट करता है। ये है इस रिले की क्या लिमिटेशन, क्योंकि इसका एक सर्कल बड़ा है तो इसके अंदर जो जेड एल आ रहा है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेंटर, इस पर वोल्टेज जीरो होगा, इसके लिए रिले ऑपरेट करेगी, अदरवाइज के लिए नहीं करना चाहिए। और ये वो केस होगा जब दोनों रेजिस्टेंस, जब दोनों करंट के, दोनों वोल्टेज के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे और के क्या होगा, वन होगा। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये ऊपर आएगा, अगर के की वैल्यू लेस देन वन हो तो ये इस तरह नीचे आएगा, राइट।